दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जहां पर हम 2023 के आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर के प्रीलिम्स क्वेश्चंस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये एक ट्विटर थ्रेड थी जो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर की थी @CSEY पर। तो इसी के बेसिस पर अब हम इस एनालिसिस को करेंगे, जिसको हम समझेंगे कि किस तरीके से और कहाँ से किस तरीके के सवाल UPSC ने पूछे हुए हैं। सबसे पहले एक ये सवाल है, विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, Stupa was a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. इसका आंसर से हमें अभी यहाँ पर मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि इसको एनालाइज कैसे किया जाए। अगर आप देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ओके। हमारी मेमोरी में हम ये देखते हैं कि जहां पर भी हम स्तूपा देखते हैं, चाहे वो सांची में हो, चाहे यहाँ दिल्ली में हो, वो हमेशा बुद्धिस्ट ही होता है। बट क्या इसका ओरिजिन बुद्धिस्ट है? मे बी मे नॉट बी। स्तूपा वॉज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, हाँ ये बात सही है। हमने कहीं कहीं पर पढ़ा है, देखा है बाहर जा जाकर भी और किताबों में भी कि इट्स जनरली स्तूपा इज अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। अगर आप लद्दाख गए हों, हिमाचल गए हों, तो आपको वहाँ पर ये समझ आएगा। स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कॉम्युनिटी स्ट्रक्चर। अगेन ये भी बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन इसका सोर्स कहाँ से है ये हम देखेंगे। इसका सोर्स है 12th की NCERT हिस्ट्री में। ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपाज मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। अगर इसका ओरिजिन है, ये बात आपको NCERT ने कह दी, तो आपको इस आंसर को मार्क करते हुए किंतु परंतु नहीं करना है। ओनली टू पर मार्क करो, आगे बढ़ो, +2 लो, बहुत काम है उसको करते। इसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस में हम आते हैं कि विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के एंशियंट पर अगर बात हुई तो पोर्ट्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए समझते हैं। कोरकई, इसमें पूछा गया है कोरकई, पोमपुहार और मुशीरी, ये तीनों क्या हैं? तो क्या ये कोई जैन तीर्थंकर की साइट्स हैं? क्या ये आयरन स्टील मेकिंग है, पोर्ट्स हैं, कैपिटल सिटीज हैं? इसका आंसर है, वैसे तो आप सबको पता है कि दीज थ्री आर पोर्ट्स। लेकिन यहाँ से हमें सीखना क्या है? यहाँ से हमें ये मैप सीखना है। ये मैप मैं ऑलरेडी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर चुका हूँ। इसको अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये इमेज आप एज इट इज मेरे ट्विटर से आप सेव कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका इस एग्जैक्ट ट्वीट का लिंक डाल देता हूँ। तो इसके बेसिस पर आपको कुछ नहीं करना, आप बस इस मैप को खोलिए। एक बार यहाँ से शुरू हो जाइए, मंडावी, बेट द्वारका, द्वारका, इन सभी मैप्स को, पोर्ट्स को पढ़ते हुए आइए, और फिर वापस यहाँ इस तरफ आप जब आएंगे तो आपको ये सारे पोर्ट्स एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तमलालप्रीति, हिजली, बालासोर, पीपली, अलग अलग इसमें पोर्ट्स हैं जो आपको रिवाइज कर लेने चाहिए 2024 के लिए। आगे आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रियल टाइम एग्जाम में अवॉइड करिए। लास्ट में अगर टाइम बचता है, आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चंस में बहुत मुश्किल है, और नए पैटर्न के साथ तो और भी, बिकॉज देयर इज नो एलिमिनेशन। तो या तो आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हम पता और नहीं पता का गेम नहीं खेल रहे, वो हम खेलेंगे रियल टाइम एग्जाम में या मॉक टेस्ट में। यहाँ पर जो हम गेम खेल रहे हैं वो ये है कि ये जो इन्होंने मुझे चार नाम दिए हैं, इनका रिलेवेंस क्या है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि UPSC प्रीलिम्स PYQs एनालिसिस करते हुए आप सही ऑप्शन को मार्क करो, उसके नोट्स बनाओ, और जो गलत ऑप्शंस हैं उनके भी नोट्स बनाओ। ऐसा क्यों? इनमें से अगर आपको कोई भी टर्म दिखती मिली 2024, 25 या 26 में, और आपने एनालिसिस में उसको रिवाइज नहीं किया है, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो एनालिसिस के कुछ नोट्स आप बना सकते हैं। सिंपल तरीका ये है कि जो जो यहाँ पर मेंशन है नेम्स, जैसे मान लीजिए नागार्जुना है, तो उनका काम जो जो उन्होंने किया है वो हम उसको नोट कर लें। विशाखा दत्त का नाम यहाँ पर है, तो उनके काम के बारे में हम एक बार मैपिंग कर लें, ताकि सभी नाम जब हमारे सामने दोबारा कभी ना कभी आए तो इनको सॉल्व करने में हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल। अब ये आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर का क्वेश्चन जो है, एंशियंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए, सोल्स आर नॉट ओनली, अभी कल्चर का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ, बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर, अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुकड ऑन एज लिविंग बाई अदर रिलीजियस सेक्ट्स। इसको जब आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि क्या ये शैव वैष्णविज्म का कॉन्सेप्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं आपने कोई जैन मुनि को देखा होगा, वो लोग अक्सर मुंह पे कपड़ा लगा के रखते हैं, दिगंबर श्वेतांबर, अपने अपने हिसाब से। ये पूरी फिलॉसफी, अगर आपको कॉमन सेंस बेसिक आप लॉजिक यूज करेंगे, जो मैंने अपने ट्विटर पर भी बताया था इसी ट्विटर थ्रेड में, द आंसर इज जैनिज्म। आप मार्क करेंगे, +2 लेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो यहाँ से हमें सीखना है, ये सीखना है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि बुद्धिज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म की जो कोर फिलॉसफीज हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को आप कहीं ना कहीं जाकर एक बार पढ़ लीजिए।
आगे आते हैं। अब ये केव्स के ऊपर बात है, शैव केव्स, ये शैव है, बुद्धिस्ट है, जैन है, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा गया। कितना सही से मैच्ड है नहीं है, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से अवेयरनेस का बेसिस पे। भजा केव्स लोनावला में है, यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं देखते ही बोला था कि बुद्धिस्ट केव श्राइन है, तो कम से कम ओनली वन तो होगा ही होगा। अब ये नन नहीं होगा तो एक एलिमिनेट हो गया था मेरे साथ। ये बाकी के, यहाँ पर हमारा एम, माय फ्रेंड्स, आई एम रिट्रीटिंग, इट्स नॉट टू नो द राइट आंसर, इट्स टू नो द एनालिसिस ऑफ दिस। तो इस तरीके से जो भी कोई क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो केव्स के लिए एक सिंपल सा तकनीक ये है कि आप जितने भी मेजर केव्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो, अगर वो न्यूज़ में है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उनको ठीक से कर पाओ। अगर इसमें आपको थोड़े से इश्यूज़ हैं, तो मैंने 20 से ज़्यादा केव्स जो प्रीलिम्स में है, नंबर 4 में आप देख सकते हैं, 20 से ज़्यादा केव्स का एक पीडीएफ बना दिया है। इस एग्जैक्ट मैसेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ आप जाइए और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपका काम आसान हो एंड यू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। नाउ वी आर टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक भी CACY को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप 2014 के प्रीलिम्स के लिए अपना नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे UPSC प्रीलिम्स के एनालिसिस, PYQs एनालिसिस, टिप्स एंड ट्रिक्स, अफ्रीका को याद कैसे करना है, उसके अराउंड बहुत सारे वीडियोज़ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो ट्विटर पर मुझे DM कर दो, ट्विटर पर मैं @CACY के नाम से यूज़ करता हूँ। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, कीप प्रिपेयरिंग वेरी वेल, ऑल द बेस्ट।